तो कन्वेक्शन क्या है, सिंपल से समझिए कि गैस का गर्म होके ऊपर चले जाना कन्वेक्शन है। कंडक्शन क्या है, तो किसी भी सॉलिड पदार्थ में हीट का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट था रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एयर, एयर के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना, यानी हीट दो तरीके से ट्रांसफर होता है। हीट जो है उष्मा, ये दो तरीके से ट्रांसफर होगा। हीट किसी मेटल में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वह कंडक्शन के थ्रू जाएगा, और हीट जब हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वह रेडिएशन के थ्रू जाएगा, और कभी कभी जब हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है तो वह कन्वेक्शन के थ्रू जाती है। तो ये चार पॉइंट्स है जिसके वजह से आग फैलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सेफ्टी एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने फायर का डेफिनेशन, फायर का टाइप्स या क्लासिफिकेशन, फायर ट्रायंगल और कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस फायर पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग फायर चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल कॉज ऑफ फायर टू स्प्रेड, कौन कौन से मुख्य कारण है जिसके वजह से फायर स्प्रेड करता है, यानी फायर फैलता है। फायर के स्प्रेड करने के चार मुख्य कारण है, एक है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा रेडिएशन, चौथा है कन्वेक्शन। ये चारों कारण से फायर स्प्रेड करता है। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। पहला पॉइंट है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है, कंबस्टेबल मटेरियल्स इन कॉन्टेक्ट विथ नेक्ड फ्लेम, यानी कोई भी जलने वाला मटेरियल जो आग के एकदम सामने हो। नेक्ड फ्लेम का मतलब हुआ जलती हुई आग के सामने। यहां पे आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, यहां पे एक आग जल रहा हुआ है और इस आग के एकदम सामने एक मटेरियल रखा हुआ है, यह कोई कंबस्टेबल मटेरियल है, यानी वैसा मटेरियल जिसमें आग लग सकता हो, ठीक है, और ये आग है। तो ये नेक्ड फ्लेम हुआ, ये जो आग है ये है नेक्ड फ्लेम, और यह एक कंबस्टेबल मटेरियल है, यानी ये कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें आग लग सकता है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होंगे, वो सारे मटेरियल होंगे जो आग के सामने हो और जिसमें आग लग सकता हो, उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, लिखा है मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल यूजुअली सॉलिड, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट का मतलब होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना। किसी भी सॉलिड में जब आग लगता है तो वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गर्म हो जाता है। सपोज कीजिए कि यह एक सॉलिड है, यहां पे अगर मैं आग लगा दूं तो ये यहां से यहां पे आग लगेगा और उसमें धीरे धीरे यहां तक आएगा और यहां का जो प्लेस होगा ये भी गर्म हो जाएगा, यानी आग लगेगा यहां पे और गर्म होगा यहां पे। तो किसी भी सॉलिड में कंडक्शन होता है, ये भले ही प्लास्टिक का है लेकिन इसमें भी अगर यहां पे आग लगाइएगा तो यहां तक जरूर गर्म होगा। तो ये यहां तक गर्म होने का कारण क्या है, ये है कंडक्शन। क्योंकि किसी भी सॉलिड में जब आग लगता है तो हीट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये हो गया कंडक्शन। सबसे ज्यादा कंडक्शन किसमें होता है, सबसे ज्यादा कंडक्शन होता है मेटल में। सपोज करिए कि यह एक लोहे का छड़ हो, ठीक है, अब यहाँ पे आग जलाई, यहाँ पे जब ये छड़ गर्म होगा तो बहुत जल्दी यहाँ पे भी गर्म हो जाएगा, यानी किसी भी मेटल्स में कंडक्शन सबसे तेजी से होता है। क्लियर। अब अगला पॉइंट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हॉटर गैस अप थ्रू द एयर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हॉटर गैस यानी जो गर्म गैस है वह ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। जैसे कि कन्वेक्शन का एक एग्जांपल है, जब सूरज से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी का जो सरफेस होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इस सरफेस पे जो भी हवा होती है वह भी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद ये जो हवा है वह ऊपर की ओर चली जाती है। तो यह गर्म हवा ऊपर की ओर क्यों जाती है, क्योंकि उसमें कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन क्या है, सिंपल से समझिए कि गैस का गर्म होके ऊपर चले जाना कन्वेक्शन है। कंडक्शन क्या है, तो किसी भी सॉलिड पदार्थ में हीट का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट था रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एयर,
एयर के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना, यानी हीट दो तरीके से ट्रांसफर होता है, हीट जो है उष्मा ये दो तरीके से ट्रांसफर होगा। हीट किसी मेटल में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वह कंडक्शन के थ्रू जाएगा, और हीट जब हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वह रेडिएशन के थ्रू जाएगा, और कभी कभी जब हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है तो वह कन्वेक्शन के थ्रू जाती है। तो ये चार पॉइंट्स है जिसके वजह से आग फैलता है, यानी आग एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अब आगे हम लोग फायर प्रिवेंशन को पढ़ेंगे, फायर प्रिवेंशन क्या होता है उसको समझेंगे। फायर प्रिवेंशन को समझने से पहले यहाँ पे एक फिगर है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कंडक्शन हुआ है, यहाँ पे जो आग लगा है, यहाँ पे आग लगा हुआ है और यहाँ पे एक मेटल है या सॉलिड है। अब ये जब गर्म होगा तो इसके गर्म होने के बाद इधर का जो कॉन्टेक्ट में जो भी वस्तु होंगे ये गर्म हो जाएंगे, तो ये हो गया कंडक्शन की वजह से। कन्वेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आग लगा हुआ है और यहाँ पे जब आग लगा हुआ है तो यहाँ का हवा गर्म हुआ और ये गर्म हवा ऊपर आया और फिर यहाँ पे कोई कंबस्टेबल मटेरियल है जिसमें आग लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे आग लगा था, यहाँ से आग यहाँ पे कैसे पहुंचा, कन्वेक्शन के थ्रू पहुंचा, क्योंकि यहाँ का जो हवा था वह गर्म हो गया था और ये गर्म हवा यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे कोई जलने वाला मटेरियल था और इस मटेरियल में तुरंत आग पकड़ लिया, तो कन्वेक्शन के थ्रू भी आग पकड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू, यहाँ पे आग लगा हुआ है और यहाँ पे जब आग लगा हुआ है तो हीट यहीं पे है, लेकिन हवा के माध्यम से यह हीट यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए कोई कंबस्टेबल मटेरियल है और इसमें आग लग गया। तो आग के फैलने का चार पॉइंट्स है, एक है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन और चौथा है रेडिएशन। अब आगे हम लोग फायर प्रिवेंशन को पढ़ेंगे। फायर प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कौन कौन सा ऐसा हम लोग उपचार करें जिससे फायर हो ही ना, यानी फायर को रोकने का कौन कौन सा तरीका है, क्लियर। तो फायर प्रिवेंशन क्या कह रहा है इसको समझिए, कह रहा है इलिमिनेट और रिड्यूस द स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स, यानी कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल है जिसमें आग लग जाए, फ्लेमेबल मटेरियल मतलब जिसमें आग लग जाए, तो कोई भी मटेरियल है जिसमें आग लग जाए उस मटेरियल को इलिमिनेट कर देना है, इलिमिनेट मतलब उसको हटा देना है या फिर उसको एक अच्छे जगह पे स्टोर करना है। तो आग से बचने का सबसे पहला स्टेप है कि आप फ्लेमेबल मटेरियल्स को इलिमिनेट करें और या फिर स्टोरेज करें, उसको किसी सुरक्षित जगह पे रख दें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल इग्निशन सोर्स, यानी वो सारे सोर्स को आप कंट्रोल कर लें जिससे आग लगता हो। अगला पॉइंट है कंट्रोल स्मोकिंग एंड स्मोकिंग मटेरियल्स, ठीक है, आप स्मोकिंग को कंट्रोल करें, किसी भी वर्क प्लेस पर अगर कोई वर्कर स्मोक कर रहा है तो आप उसको रोकें, या फिर आप स्मोकिंग मटेरियल जैसे सिगरेट बीड़ी ये सब है इसको रोकें, यानी आप स्मोकर को रोकें और स्मोकिंग मटेरियल जो है उसको भी रोकें, क्लियर। गुड हाउसकीपिंग प्रोवाइड करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस वर्क प्लेस पे कोई फायर एक्सीडेंट ना हो तो आप हाउसकीपिंग को अच्छे से मेंटेन करके रखिए। लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी मशीनरी को आप लुब्रिकेट कीजिए, लुब्रिकेट मतलब उसमें ग्रीस लगाना, उसमें तेल लगाना, क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होता है तो आग लगने का चांस बढ़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट उत्पन्न होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मेरे हाथ है और मैं इन दोनों को रगड़ना शुरू किया, तो जैसे ही मैं इसको रगड़ूंगा यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के पश्चात इसमें गर्मी होगी यानी उष्मा क्रिएट होगा, जब उष्मा क्रिएट होगा यानी जब हीट उत्पन्न होगा तो फिर यहाँ पे आग लगने का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट हो रहा है और उसके तुरंत ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हीट मिल गए, अब कोई भी यहाँ पे फ्यूल मिल जाएगा और केमिकल रिएक्शन हुआ कि आग लगा, क्लियर। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने हाथ का बताया। सपोज करिए कि कोई मशीन है और वह लगातार चलते जा रहा है, तो जैसे जैसे वह चलेगा, जितने देर तक चलेगा उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होगा, और जब हीट क्रिएट होगा तो उसके अगर अगल बगल में कोई फ्यूल मिल गया और फिर केमिकल रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन फ्यूल और हीट के बीच में, तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें ल्यूब्रिकेशन करना होता है। जब हम किसी मशीन में ग्रीस तेल वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन के वजह से हीट नहीं उत्पन्न होता, जब हीट नहीं क्रिएट होगा तो फिर वहाँ पे आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नो ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे आप ओवरलोड ना दें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फायर प्रिवेंशन टू, यानी फायर प्रिवेंशन के और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे।
फायर प्रिवेंशन का नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये एकदम आसान है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको आप रेगुलरली इंस्पेक्ट करिए, यानी हमेशा उसका जांच करते रहिए। जब आप हमेशा जांच करेंगे तो वहाँ पे फायर होने का चांसेस डिक्रीज हो जाएगा। वेंटिलेशन आउटलेट्स नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, कोई भी इन्वायरमेंट जहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे वेंटिलेशन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे खुला वातावरण होना चाहिए ताकि हीट एक जगह इकट्ठा ना हो। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी कोई भी लिक्विड जो फ्लेमेबल है उसको आप एक फिक्स जगह पर रखें, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है, ये फ्लेमेबल लिक्विड्स है। इन सारे लिक्विड्स को एक फिक्स जगह पर रखा जाता है जहाँ पे कोई सोर्स ना हो आग लगने का। क्लियर। सीग्रेशन ऑफ इनकम्पिटेबल केमिकल्स, सीग्रेशन का मतलब होता है अलग करना, यानी कोई भी केमिकल्स है जिससे आग लगने का खतरा है उसको आप अलग रखें। सिक्योरिटी टू प्रिवेंट अर्सोन, अर्सोन का मतलब होता है आग, ठीक है, या आगजनी। तो जहाँ कहीं भी आग लगने का खतरा है वहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। डेलिबरेटली सेटिंग फायर, यानी डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, यानी जहाँ कहीं भी जानबूझ के आग लगाया जाता है वहाँ पे आप सिक्योरिटी रखें। जहाँ कहीं भी आगजनी हो रही है, कोई जाड़े के मौसम में कोई आग जला के हाथ वगैरह सेक रहा है, तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी रखें वर्क प्लेस पे, ताकि उस आग की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, बड़ा आग ना लगे। क्लियर। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, हमेशा आप अपने वर्क प्लेस पे सुपरविजन करें, इंस्पेक्शन करें, जो भी सेफ्टी ऑफिसर है या जो भी मैनेजमेंट है वो हमेशा अपने वर्क प्लेस का रेगुलरली इंस्पेक्शन करें, हमेशा उसका सुपरविजन करें, हमेशा देख रेख होना चाहिए कि कोई यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिससे आग लगने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जिससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल मटेरियल्स, यानी कोई भी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है या कंबस्टेबल मटेरियल है। फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको कैसे स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल मटेरियल्स, इसमें पहला पॉइंट है स्टोर मिनिमम क्वांटिटीज, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है जिसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको आप मिनिमम क्वांटिटीज में रखें। इस्टेब्लिश सुटेबल फिक्स्ड स्टोरेज टैंक, ठीक है, जो कोई भी स्टोरेज टैंक है वह सुटेबल होना चाहिए, वह फिक्स होना चाहिए। सपोज करिए कि यहाँ पे एक टैंक है जिसमें हमें केरोसिन या पेट्रोल रखना है या कोई फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट रखना है इस जगह पे, तो वह एक फिक्स जगह होना चाहिए, ये ना कि यहाँ का जो टैंक है वह उठा के कोई और दूसरी जगह पर ले जाकर रख दे। तो अगर ऐसा होगा तो यह टैंक तो यहाँ पे सुरक्षित था लेकिन कोई वर्कर उठा के उसको किसी और जगह पर रख दिया और उस जगह पे वह टैंक सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या होगा, वह एक फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है तो आग लगने के चांसेस बढ़ेंगे। इसीलिए कोई भी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स को एक सुटेबल या फिक्स जगह पे रखना है। क्लियर। कीप सिलेंडर्स अपराइट इन वेल वेंटिलाइज्ड स्टोरेज एरिया, कोई भी सिलेंडर है उसको अपराइट पोजीशन में रखना है, यानी ऐसे पोजीशन में रखना है, अपराइट पोजीशन ये होता है, और उसको एक वेंटिलेटेड स्टोरेज में रखना है। क्लियर मार्किंग ऑफ कंटेनर्स टू बी गिवेन, ठीक है, जो भी कंटेनर्स है जिसमें फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या फ्लेमेबल या कंबस्टेबल मटेरियल्स हैं उस पर क्लियरली मार्किंग होना चाहिए। सपोज करिए कि ये जो कंटेनर है इसमें केरोसिन भरा हुआ है और इस पर जो मार्किंग है वो है ही नहीं, तो कोई समझेगा कि ये पानी है और उसको ले जाके ऐसे जगह पर रख दिया जहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरली मार्क्ड स्टोरेज एरिया, यानी जिस एरिया में फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उस एरिया को आप क्लियरली मार्क करके रखें, यानी उस एरिया पे एक मार्किंग लगा देगी, यह जो एरिया है इसमें फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे बिना परमिट का आना मना है या किसी वर्कर को बिना किसी वजह आना मना है। क्लियर। इसी में कुछ और पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिलेज कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस, स्पिलेज कंट्रोल सिस्टम इन द प्लेस का मतलब हुआ कि उस जगह पे एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अनएडिक्वेट वेंटिलेशन टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, कोई भी ऐसा वेंटिलेशन प्रोवाइड होना चाहिए जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे आप कोई फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं वह पूरी तरह से वेंटिलाइज होना चाहिए, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलाइज एरिया होनी चाहिए। सूटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल, और उस एरिया में या उस जगह पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मौजूद होना चाहिए, यानी आपको पहले से ही तैयारी रखना है कि अगर यहाँ पे कोई फायर एक्सीडेंट होता है तो हमें कैसे उससे निपटना है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में आप फायर एक्सटिंग्यूशर रख सकते हैं, फायर ब्लैंकेट रख सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। क्लियर।
ट्रेंड कॉम्पिटेंट स्टाफ रिक्वायर्ड, और जहाँ कहीं भी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है वहाँ पे एक ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, एक जिम्मेदार स्टाफ होना चाहिए जिसको पूरे तरह से नॉलेज हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में। एडिक्वेट वार्निंग साइन पोस्टेड होना चाहिए, एक साइन बोर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, वर्कर्स को पता चले कि यहाँ पे बिना वजह या बिना परमिट के आना मना है। यहाँ पे एक केमिकल स्टोरेज का साइन बोर्ड दिया हुआ है, इसको आप देखें, जहाँ कहीं भी केमिकल स्टोरेज होता है वहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं ताकि बिना वजह कोई वर्कर उसके अंदर ना जाए या कोई ऐसा एक्टिविटी ना करे जिससे आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग फायर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फायर को कैसे प्रोटेक्ट करना है इस चीज को पढ़ेंगे। फायर प्रोटेक्शन में पहला पॉइंट है कंपार्टमेंटेशन। कंपार्टमेंटेशन क्या होता है इसको समझिए। वेयर एवर पॉसिबल लार्ज स्पेस इन बिल्डिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेपरेट कंपार्टमेंट्स बाय फायर रेसिस्टिंग वॉल व्हिच शुड बी कैरिड अप टू द सेलिंग ऑफ और रूफ। कंपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाए तो उस बिल्डिंग का ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि अगर उस बिल्डिंग में एक कमरे में या एक रूम में या एक हॉल में आग लग रहा है तो वह आग दूसरे रूम तक ना पहुंचे। यहाँ पे एक कंपार्टमेंटेशन का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आग लग रहा है, फिर अब यहाँ का जो वॉल है वह ऐसे तरह से डिजाइन हुआ है कि इसके ऊपर वाला जो रूम है या कंपार्टमेंट है वहां तक आग ना पहुंचे, ठीक है। इसके लिए दो वॉल के बीच में गैप दिया जाता है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है लेकिन बड़े बड़े देशों में या बड़े बड़े जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो वहाँ पे एक वाल होगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस होगा, फिर दूसरा वाल होगा। ये एक कंपार्टमेंट है और एक ये कंपार्टमेंट है, यानी दोनों कंपार्टमेंट का जो वाल है वह अलग अलग है। इससे क्या होता है कि अगर इस कंपार्टमेंट पे आग लगा, ये वाला वाल जो है वह गर्म होगा लेकिन इसके बीच में खाली स्पेस है, इसीलिए दूसरा जो कंपार्टमेंट है वह आग की वजह से गर्म नहीं होगा और दूसरे कंपार्टमेंट में आग लगने के चांसेस नहीं होंगे। या उस कंपार्टमेंट में ऐसे मटेरियल्स यूज कीजिए ताकि वह मटेरियल्स आग को रोक सके, ठीक है। ये चीज हम लोग आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज होने चाहिए बिल्डिंग में, जिन मटेरियल्स के यूज से आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्लियर। तो कंपार्टमेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। कंपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कि बिल्डिंग का ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि उस बिल्डिंग में जब एक कमरे में या एक हॉल में या एक कंपार्टमेंट में जब आग लगे तो दूसरे कंपार्टमेंट तक ना पहुंचे, क्लियर। चलिए आगे है फायर प्रोटेक्शन टू। फायर प्रोटेक्शन में आगे हमें पढ़ना है फायर रेसिस्टेंट मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल्स का यूज करना है जो फायर रेसिस्टेंट हो। फायर रेसिस्टेंट मटेरियल्स क्या होते हैं उनको समझिए। बिल्डिंग्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड वेयर एवर पॉसिबल यूजिंग फायर रेसिस्टेंट मटेरियल सच एज ब्रिक्स, कंक्रीट एंड स्टील ETC, ठीक है। फायर रेसिस्टेंट मटेरियल्स का मतलब हुआ कि उस बिल्डिंग को आप ऐसे तरीके से बनाएं कि उस बिल्डिंग में फायर रेसिस्टेंट मटेरियल हो, यानी ऐसे मटेरियल्स हो जो मटेरियल्स आग को रोक सके। कौन कौन से मटेरियल है? ब्रिक मतलब होता है ईंट, कंक्रीट मतलब होता है सीमेंट, स्टील, ये सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो आग को रोकते हैं। सपोज करिए कि ये जो रूम है वह एक लकड़ी का होता या वह किसी ऐसे मटेरियल से होता जिसमें फायर तुरंत पकड़ता है, यानी किसी भी बिल्डिंग को बनाते समय उन सारे मटेरियल्स का यूज करना जिससे उस बिल्डिंग में जब आग लगे तो वह आग ज्यादा स्प्रेड ना करे। कौन कौन से और मटेरियल्स है? मिनरल्स वूल है, जिप्सम बोर्ड्स है, एस्बेस्टोस सीमेंट है, प्रोप्लेक्स सीट्स है, कैल्शियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, पोटासियम सिलिकेट, ये सारे फायर रेसिस्टेंट मटेरियल है और इनका यूज घर बनाते समय किया जाता है। इसका यूज करने से अगर किसी रूम में आग लग रहा है तो वह आग दूसरे रूम तक नहीं जाएगा, अगर भयानक आग है तब तो जाएगा, अगर नॉर्मल आग है तो वह दूसरे रूम तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये सारे मटेरियल फायर को रेसिस्ट करते हैं, क्लियर। फायर रिटार्डेंट कोटिंग्स की वजह से किसी वाल में आग लगने के चांसेस घट जाते हैं। तो ये सारे हमने पॉइंट्स ऐसे पढ़े और ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़े जिनका यूज करने से किसी भी बिल्डिंग में आग लगने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। फायर प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट है ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम। ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम क्या है? फायर डिटेक्टर्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट स्मोक, हीट और फ्लेम एंड गिव्स आउट एन अलार्म। जो ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम है ये एक इक्विपमेंट है और इस इक्विपमेंट की खासियत यह है कि यह स्मोक को, हीट को और फ्लेम को डिटेक्ट कर लेता है, यानी किसी बिल्डिंग में जब फायर लग रहा है यानी आग लग रहा है तो उसमें स्मोक होगा या हीट होगा या फ्लेम होगा, तो ये डिटेक्टर्स उस स्मोक को या हीट को या फ्लेम को डिटेक्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटिक उस बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है। दूसरा पॉइंट है हीट डिटेक्टर्स। हीट डिटेक्टर्स क्या होते हैं?
डिटेक्टर्स में बी आइदर फिक्स्ड टेम्परेचर और रेट ऑफ फायर राइज डिटेक्टर्स विच ओनली ऑपरेट इफ द टेम्परेचर इज रैपिड। ठीक है, हीट डिटेक्टर्स क्या होते हैं? ये हीट डिटेक्टर्स को एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा जाता है, जब भी उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये हीट डिटेक्टर्स अलार्म एक्टिवेट कर देता है और जितने भी उस बिल्डिंग में पर्सन है उन सबको समझ आ जाता है कि बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है। क्लियर, हीट डिटेक्टर्स का यहाँ पे फिगर दिया हुआ, इसको आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है वो है फायर अलार्म का। फायर प्रिकॉशन पे अगला पॉइंट है स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स मतलब होता है कि वह इक्विपमेंट जो स्मोक को डिटेक्ट कर ले, यानी धुआं को पहचान जाए। तो हर एक बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, ऑटोमेटिक अलार्म लगा हुआ रहता है ताकि उस बिल्डिंग में जहां कहीं भी आग लगे वह डिटेक्टर्स ऑटोमेटिक अलार्म को एक्टिवेट कर दे। जब अलार्म एक्टिवेट होगा तो उस बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कहीं आग लगा हुआ है, वो सारे लोग उस बिल्डिंग को खाली करेंगे। अगला पॉइंट है मींस ऑफ एस्केप। मींस ऑफ एस्केप का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बिल्डिंग में आग लग रहा है तो उस बिल्डिंग से कैसे भागना है। मींस ऑफ एस्केप में एक फिगर दिया हुआ होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे मींस ऑफ एस्केप के कुछ फिगर्स दिए हैं, ऐसे अगर साइन है तो आपको भागना है क्योंकि फायर एग्जिट है। क्लियर, इस तरीके से अगर एरो दिया हुआ है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ये सारे एक साइंस है जिस साइंस को पहचान के हम भी फायर लगता है तो उस फायर वाले कंडीशन में हम उस जगह से अपने आप को सुरक्षित लेके दूसरी जगह पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फायर प्रिकॉशन में फायर एग्जिट। फायर डोर शुड ओपन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल या आउटवर्ड्स। जो फायर डोर है वह आउटवर्ड की तरफ खुलना चाहिए, यानी फायर डोर ऐसे जगह पे होना चाहिए जिस डोर से हम बाहर निकले तो हम लोग खुले वातावरण की ओर जा सके। क्लियर, डोर्स प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ एस्केप शुड नेवर बी लॉक्ड। ठीक है, और जो भी एस्केप डोर्स है जहां से हमें खुद को बचा के बाहर ले जाना है वह डोर कभी भी लॉक नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले नोटिस ऑन द डोर्स, और उस डोर्स पे एक नोटिस होना चाहिए कि यह फायर एग्जिट डोर है। या ऐसे भी किसी बिल्डिंग में नोटिस लगा दिया जाता है और उसमें साइन दिया जाता है कि अगर फायर एक्टिवेट हो रहा है, फायर लग रहा है बिल्डिंग में, तो आपको किधर भागना है, कैसे भागना है, तो जिसको एस्केप रूट कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। साइंस एलोंग एस्केप रूट्स, या एस्केप रूट्स का साइन भी होना चाहिए कि किस तरह भागना है। ये दोनों पॉइंट्स एक ही है, यानी हर एक बिल्डिंग में, हर एक कंस्ट्रक्शन एरिया में एक एस्केप रूट होना चाहिए, जब भी इमरजेंसी कंडीशन आए तो उस एस्केप रूट से इंसान खुद को बचा पाए या वर्कर खुद को बचा पाए। क्लियर, कॉरिडोर्स इन स्टेयरवेज फॉर्मिंग अ मीन्स ऑफ एस्केप शुड हैव हाफ आवर फायर रेसिस्टेंस। ठीक है, और जो भी फायर डोर्स है, फायर एग्जिट डोर्स है या स्टेयरवेज है या कॉरिडोर्स है, उनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आग लग रहा है तो कम से कम आधा घंटा तक उस वाल में या उस डोर में या उस स्टेयरवेज में या कॉरिडोर्स में आग न लगे। आग लगने के आधे घंटे तक उस एग्जिट डोर में आग न लगे ताकि जो भी वर्कर्स हैं वो बाहर निकल जाए। यानी उनका डिजाइन ऐसे होना चाहिए कि वह आधे घंटे तक आग खुद में ना लगने दे ताकि लोग बाहर निकल सके। कॉरिडोर्स एंड अदर एस्केप रूट्स मस्ट बी ऑब्स्ट्रक्टेड। ये भी वही पॉइंट है, जो भी कॉरिडोर्स है या फिर अदर एस्केप रूट है वह ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी उसके रास्ते में कोई चीज ऐसा ना रखा रहे जिसकी वजह से उस एग्जिट डोर से हम बाहर ना ही निकल पाए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक एग्जिट डोर है और उसी के सामने एक टेबल बड़ा सा रखा हुआ है, तो जब इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो कैसे हम उस एग्जिट डोर से बाहर निकलेंगे। इसी को कहा जाता है अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। क्लियर, यानी जो भी एग्जिट डोर से, कॉरिडोर से, उनमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, वो खुले होने चाहिए। यहाँ पे फायर प्रिकॉशन दिया हुआ है, डायरेक्शन साइन दिया है, डिस्प्ले इमरजेंसी सेफ्टी। ठीक है, इमरजेंसी सेफ्टी में अगर ऐसा चिन्ह है तो आपको एस्केप रूट लेफ्ट, यानी इससे ये पता चलता है कि जो बाहर निकलने वाला रास्ता है, यानी खुद को बचा के बाहर जाने वाला जो रास्ता है वह लेफ्ट की ओर है। अगर ऐसा साइन दिया हुआ है तो एस्केप रूट राइट पे है। ये साइन हमेशा बिल्डिंग्स में या फिर वर्क प्लेस पे लगा होता है ताकि वर्कर समझ सके कि हमें किधर निकलना है। इमरजेंसी लाइटिंग प्रोवाइड एट पैसेज वेज एंड एस्केप रूट। इमरजेंसी लाइटिंग क्या होता है? सपोज करिए कि इस बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होंगे या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो सब बंद हो जाएंगे, तो इस रूम में अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा तो आप किधर भागेंगे, जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो हर एक बिल्डिंग में इमरजेंसी लाइटिंग होता है। ये जो लाइटिंग होता है ये रेडियम की तरह काम करता है,
या ये लाइटिंग की बनावट ऐसी होती है कि जब उस बिल्डिंग से इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट जाए तो ये कुछ देर तक उस बिल्डिंग में लाइटिंग प्रोवाइड करे। लाइटिंग प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि यह खुद से एक्टिवेट हो जाए और यह जले बल्ब की तरह, ताकि उस बिल्डिंग में जो भी फंसे हुए लोग हैं वह बाहर निकल सके। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोग जो कुछ भी पढ़ा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।